हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उस फार्मूले का ग्रुप कौन सा है और एमएस ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस फार्मूला को यूज करना और उस फार्मूला को, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला ऑफ द डे है नंबर वैल्यू। नंबर वैल्यू तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। नंबर वैल्यू के लिए हमारा नेम ऑफ द फॉर्मूला है नंबर वैल्यू। टेक्स्ट ग्रुप का पार्ट है। एमएस ऑफिस के ये 2013 और अपर वर्जन्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें तो ये किसी भी डाटा को जो किसी और फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मीन्स मिलियंस में लिखा हुआ है, तो उसको अगर हम लोगों को लैक्स में कन्वर्ट करना है तो जो उसमें कॉमा सेपरेटर और डेसिमल सेपरेटर्स जो यूज हो रहे हैं उनको हटा करके केवल और केवल प्योर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। सिंटेक्स ऑफ फॉर्मूला की जहां तक बात है, इसका सिंटेक्स इक्वल टू नंबर वैल्यू एक कंपल्सरी आर्गुमेंट है जिस टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है। और उसमें क्या डेसिमल सेपरेटर यूज हुआ है, फर्स्ट ऑप्शनल आर्गुमेंट, और सेकंड ऑप्शनल आर्गुमेंट क्या है जो उसमें ग्रुप सेपरेटर यूज हुआ है, जिससे कि ये उन दोनों को प्रॉपरली चेक करके हमें नंबर वैल्यू रिटर्न कर सके। ठीक है। उसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर वैल्यू लाइक कन्वर्ट से टेस्ट टू ए नंबर इन ए लोकल इंडिपेंडेंट मैनर। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, टेस्ट इज द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द नंबर यू वांट टू कन्वर्ट। डेसिमल सेपरेटर कोई भी सिंबल हो सकता है जो उसमें डाटा में यूज हुआ है हमारे एज ए डेसिमल सेपरेटर। ग्रुप सेपरेटर क्या है, इज द करेक्टर यूज एज द ग्रुप सेपरेटर इन द स्ट्रिंग, मीन्स कोई भी सिंबल हो सकता है, डेसिमल में कॉमा हो सकता है, डॉट हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकते हैं, या हम कोई और भी सिंबल यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हम लोग डाटा को यूज करके चेक कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। लाइक सपोज यहाँ पर ये एग्जाम्पल वन में हम लोगों के पास कुछ डाटा दिया हुआ है, उसको हम यूज करके देखते हैं नंबर वैल्यू। और डाटा देखिए मैंने इस तरीके से कॉमा मिलियंस में लिखा हुआ है, सपोज 0.46। ठीक है। अब हमें इसको ये चेंज करना है अपने लोकल नंबर्स के हिसाब से, मीन्स उसमें से डेसिमल और सेपरेटर्स वगैरह जो ये है इस तरीके से हम लोगों को अगर चेक करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं डेसिमल सेपरेटर क्या यूज हुआ है, इसमें डेसिमल सेपरेटर है ये डॉट फुल स्टॉप, तो हमने डेसिमल सेपरेटर के लिए ये यूज किया और फिर एक कॉमा लगा दिया। थर्ड आर्गुमेंट हमारा ओपन हो गया, दैट इज ग्रुप सेपरेटर। ग्रुप सेपरेटर में अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास क्या यूज हो रहा है, दिस कॉमा, तो हम लोगों ने ग्रुप सेपरेटर के लिए वो कॉमा रिप्रेजेंट कर दिया और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। तो अब देखिए हमारा डाटा किस तरीके से प्रेजेंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ग्रुप सेपरेटर्स के रूप में यूज हुआ था, क्योंकि डेसिमल तो हमें दिखाने ही दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए वो डेसिमल इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू है तो। अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो ये हम लोगों को फुल वैल्यू रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, इक्वल टू नंबर वैल्यू, और केवल हम लोग इसको लेते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए ये डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा, 0.038, 0.038। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इक्वल टू नंबर वैल्यू दिस सेल। अब यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल सेपरेटर के रूप में क्या यूज हुआ है, दिस फुल स्टॉप कॉमा, और नंबर सेपरेटर के या ग्रुप सेपरेटर के रूप में क्या यूज हुआ है, कॉमा। तो वो कॉमा को लिया हम लोगों ने, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और हम लोग देखते हैं तो केवल और केवल ये प्योर नंबर्स सामने आ गए, मीन्स डेसिमल की भी जरूरत नहीं रह जाती। बट जहां पर डेसिमल की रिक्वायरमेंट है, मीन्स उसके बाद कोई वैल्यू है तो ये डेसिमल को यूज करेगा, अदरवाइज डेसिमल को भी यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए,
50 लैक्स था, हम लोग इस तरीके से ये डाटा प्योर नंबर्स वैल्यू में कन्वर्ट होकर के या चेंज होकर के आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं नंबर वैल्यू। सबसे पहले नंबर्स को सेलेक्ट किया और यहां पर हमारा डेसिमल सेपरेटर क्या है वो चेक करते हैं। डेसिमल सेपरेटर यहां पर इस वक्त कॉमा, तो यहां पर हम लोग कॉमा को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट हमारा ओपन हो जाता है। ग्रुप सेपरेटर में क्या है, यहां पर ये फुल स्टॉप या डॉट। ठीक है, तो डाटा हमारा इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है और समझनी है। नेक्स्ट एग्जांपल में डाटा देखिए किस तरीके से प्रेजेंट हो गया कि डेसिमल की जहां जरूरत है जिस तरीके से हम लोगों को डाटा चाहिए वो इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। तो नंबर वैल्यू हमारा नंबर्स को प्रेजेंट करने में यूज होता है, जो कि डिफरेंट सेपरेटर हैं जो कि हम लोगों के यहाँ यूज नहीं होते। मीन्स सपोज मिलियंस में आया है तो उसको लैक्स में कन्वर्ट करना या प्योर नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो इस चीजों के लिए हम लोग इस नंबर वैल्यू को यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।